नमस्ते, मेरे इस YouTube चैनल में एक बार फिर से एक हफ्ते के गैप के बाद मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नया साल शुरू हो गया है तो आप सभी को नव वर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है ये, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से भी बात करूंगा कि क्या एक्सपेक्टेड है, और एकदम शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सेक्टर्स के बारे में डिस्कशन होने वाला है, और सही मायने में जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है, अगले हफ्ते कैसे मार्केट पैंड है ये भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए हम चलते हैं सीधे निफ्टी के पास। ये रहा निफ्टी का चार्ट। काफी अच्छी अपसाइड हमने पिछले 8-10 ट्रेडिंग डेज में देखी है, और ये जो अप मूव है ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन के बहुत नजदीक आ गई है। मैंने पिछले हफ्ते आपको कहा था कि आपको मार्केट आउटलुक डेली नहीं मिलने वाला, सॉरी वीडियो नहीं मिलने वाला, पर आपको मार्केट आउटलुक डेली पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। और मार्केट आउटलुक डेली में सोमवार से लगातार हमने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर, और उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी कैसे कहाँ तक जाएगा ये सब कुछ हमने पैंड आउट करके दिया था आपको। अगर आप मार्केट आउटलुक डेली देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको पता चल गया होगा कि किस तरीके से हमने आपको सपोर्ट दिया है और किस तरीके से हमने ये पूरी की पूरी अब जो रैली हमने देखी पिछले हफ्ते पूरी की पूरी कैप्चर की है। अभी भी लॉन्ग पोजिशंस कायम है। मंडे को जो आउटलुक मार्केट आउटलुक डेली जाएगा उसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हम डिस्कस करेंगे, और अभी क्या करना चाहिए, क्या टारगेट्स रहेंगे इसके बारे में भी डिसाइड करेंगे सोमवार के लिए। पर अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम वापस एक बार वही लेवल्स पे आ चुके हैं, 17,500 के बहुत नज़दीक, 150 पॉइंट्स दूर है करंट मार्केट लेवल से, तो उधर तक जाने की संभावना बिल्कुल बन रही है। जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है फॉलिंग ट्रेंड लाइन के साथ साथ, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड लाइन तक तो आराम से जाना चाहिए, पर इमीडिएटली सोमवार को जाएगा ये कह नहीं सकते। पर अभी जो हमने लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट किए हैं उनका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के हम 17,500 के आसपास के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके, अभी भी अगर लॉन्ग टर्म यानी डेली चार्ट है पर थोड़ा सा लंबा नजरिया रखते हैं, थोड़ा सा ब्रॉडन अप करते हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि अभी भी हायर टॉप हायर बॉटम ये सिनेरियो अभी भी देखने को नहीं मिल रहा है। अभी भी मेरा यही मानना है कि ये जो मूव देखने को मिली है ये सिर्फ एक पुल बैक रैली है। ये कब कंफर्मेशन मिल जाएगा? अगर हम ये लेवल्स तोड़ देते हैं ऊपर, एक इस ये जो 17,500-17,600 का जो जोन है इसके ऊपर अगर जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं और उसके बाद जो नीचे आएंगे वो इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर नहीं आते और उधर से वापस एक बार यू टर्न लेते हैं, तभी हम मीडियम टर्म आउटलुक पॉजिटिव के नाम पे बात करेंगे। अभी मेरा मानना है कि अभी हम नेगेटिव से न्यूट्रल की ओर चल रहे हैं, पर अगर ये ट्रेंड लाइन टेस्ट करते हुए हम वापस एक बार नीचे आना चालू कर देंगे तो वापस एक बार नेगेटिव ट्रेंड हो सकता है। तो अभी भी कोई भी क्लैरिटी नहीं है, एकदम पक्की क्लैरिटी नहीं कि इधर से मार्केट चलेगा ही चलेगा। बहुत लोगों का मानना है कि अभी प्री बजट रैली चलनी चाहिए। देखिए दोस्तों, जब सभी एक दिशा में विचार करने लगते हैं तभी एक यू टर्न आता है, ये हमने इस स्टॉक के यहाँ देखा था। करेक्ट, एवरीवन वाज वेरी बुलिश अराउंड हियर और नो वन एक्सपेक्टेड, और जैसे ही हमने इधर ब्रेक डाउन का ऐलान किया हमारे इस वीडियो के जरिए, हमने काफी बड़ी डाउनसाइड देखी। तो इस स्लाइड से आप बच गए। अगर हमने जो कहा था पुट्स लेने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग पुट्स में करने के लिए, ये अगर आपने सुना होगा तो आपको आसानी हो गई होगी आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हुए, नुकसान में आपका पोर्टफोलियो नहीं आता। अभी हम न्यूट्रल स्टेज पे आ चुके हैं। मुझे लगता है कि करंट लेवल से 150 पॉइंट्स और बेस्ट के सिनेरियो उधर से करेक्शन आना चाहिए, एक हायर बॉटम बनाना चाहिए, फिर उसके बाद हायर टॉप, फिर मार्केट चलेगा। तो अभी देखना है कि इस क्रूशल हफ्ते में मार्केट कैसे बिहेव करते हैं। तो इस हफ्ते के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है वो रहेगा 17,150 और 17,100। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा।
17,100, 150, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। अगर इसके नीचे जाते हैं तो ही हमें थोड़ी सी परेशानी देखने को मिलेगी, नहीं तो मुझे लगता है कि हम थोड़े से अपमूव की ओर देखने को मिल जाना चाहिए। अभी हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी प्योर अंडर परफॉर्मर है, प्योर अंडर परफॉर्मर। और ये अंडर परफॉर्मेंस जो है वो पहली बार पिछले हफ्ते हमें देखने को मिला कि वो एक थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस की ओर चलने चालू कर दिया है। पर अभी भी अगर हम मीडियम टर्म आउटलुक का चार्ट देखते हैं तो कोई बहुत खराबी नहीं है चार्ट में। अभी भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स होल्ड किए हैं 34,000 के, पर अगर ये लेवल्स निकलते हैं तो ही बड़ी वाली मंदी बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगी। पर जिस तरीके से हम अभी प्लेस्ड है, मुझे लगता है कि अगर हम 35,600 के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देंगे तो अच्छी खासी जो बेस बिल्डिंग है, जो शॉर्ट्स है, वो ट्रैप होते नजर आएंगे। एक 37,000, 37,500 तक के लेवल्स आपको आते दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो अभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो शॉर्ट टर्म के नज़रिए से 34,750 है, पर इम्पोर्टेंट लॉन्ग टर्म के नज़रिए से 34,000 ही आ रहा है। तो थोड़ा सा मैं एक्सट्रोपोलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। नीचे में ट्रायंगुलर पैटर्न के जस्ट हम ऊपर आ चुके हैं। हम अगर एक्सपेंड करते तो पता चलेगा कि ये ट्रायंगुलर पैटर्न से ऊपर आ गया है, तो हमें थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ सोचना चाहिए। और हम सोच रहे हैं कि ये अगर इसके ऊपर, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो बेस्ट केस सिनेरियो 37,000, 37,500 तक के लेवल्स की उम्मीद हम बैंक निफ्टी से कर सकते हैं। ओके, तो मार्केट आउटलुक डेली। अब अगर आपको मार्केट आउटलुक डेली कहाँ से मिलता है जो फ्री है लाइफ टाइम के लिए, ये अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना चाहिए और पूरे आपके क्रेडेंशियल देने के बाद आपको फ्री एक्सेस ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान है और हर एक ने कर देना चाहिए। हर रोज सवेरे वर्किंग डेज में आपको 5:30 बजे, सवेरे 5:30 बजे आपको मार्केट आउटलुक डेली मिल जाता है। और उसी तरह अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, जहाँ पे मैंने पिछले हफ्ते बहुत अच्छे ऑप्शन स्ट्रेटजीज दी, जहाँ पे एक बहुत अच्छी मूव हमने कैप्चर की है। टारगेट हमारा काफ़ी बड़ा है, अभी हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिन्होंने जिन्होंने ये पुट कॉल ऑप्शन लिया है दीपक नाइट्रेट का, उन्होंने वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे लगता है जो मैंने टारगेट्स दिए वो आराम से हासिल हो जाने चाहिए, परसेंटेज लेवल से। और एक्चुअल कैश लेवल्स में भी आपको जो मुनाफा होगा वो बहुत बड़ा होगा, होना चाहिए, अभी भी हो रहा है। अभी अभी हम लगभग 40, 45, 50 पॉइंट्स इन द मनी में बैठे हुए हैं, तो लॉट के हिसाब से काफ़ी पैसा बन रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ कॉल्स कैश के, अभी कैश नहीं आ रहा है, पर जब कैश के आना चालू हो जाए, मार्केट जब वापस एक बार बूमिंग देखने को मिलेगा तो कैश के स्टॉक्स भी आ जाएंगे, फ्यूचर्स के स्टॉक्स भी आ जाएंगे। कभी कभार ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी मैं हफ्ते में 1-2 बार देने की कोशिश करूंगा, तो उस तरीके से हम एक अच्छा अच्छा खासा अपमूव कैप्चर करने की और एक अच्छे मुनाफे के ट्रेड्स लेने की कोशिश बिल्कुल करते नजर आएंगे। तो टेलीग्राम पे भी जुड़े रहिए। ओके, तो ये रहा बैंक निफ्टी का। अभी हम थोड़ा सा ऑप्शन चेन डेटा देखते हैं निफ्टी के, निफ्टी का। हम जाएंगे एनएससी की वेबसाइट पे, कहाँ पे सपोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अभी दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे सपोर्ट्स है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। ये अगर पता चल जाएगा ऑप्शन चेन डेटा के द्वारा तो ज़्यादा आपका कन्विक्शन बढ़ता है, क्योंकि कहाँ पे ट्रैपिंग हो रही है ये अगर पता चल गया तो मेरे मेरे मेरा कहना है कि आपको एक अच्छा मुनाफे वाला ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 जैन की एक्सपायरी का हम ऑप्शन चेन डेटा देख रहे हैं। और अगर हम देखते हैं तो नीचे में सपोर्ट्स कहाँ हैं, तो इमीडिएटली 17,300 में भी बहुत अच्छा है और 17,200 में भी अच्छा है। यानी मैंने टेक्निकली 17,150 कहा था, पर डेरिवेटिव डेटा के हिसाब से 17,200 ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बन के नजर आएगा। मुझे नहीं लगता है 17,200 तोड़ने की कोशिश बेयर्स की कामयाब हो पाएगी। मुझे लगता है कि बिल्कुल 17,200, 250 ये बहुत अच्छे लेवल से आपको वापस एक बार एंटर करने के लिए।
और ऑन द हायर साइड कहाँ पे सबसे बड़ा ओआई है, ये देखिए सबसे बड़ा ओआई है हम 17,500, हमारा जो टेक्निकल स्ट्रक्चर कह रहा है 17,500, 17,600, इधर 17,500 आज के लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ पे कॉल राइटिंग देखने को मिली है। 17,500 एक हर्डल है, 17,200 एक सपोर्ट है, इसके बीचों बीच हम ट्रेड करते नजर आएंगे। अभी दोस्तों थोड़ा सा हम बड़ा पर्सपेक्टिव देते हैं, साल 2022 का हम एक्सट्रपलेट करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं, निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई मंदी की बात नहीं है, ये सिर्फ एक करेक्शन है और ये बहुत अच्छी करेक्शन देखने को मिली है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक जो बॉटम है वो बन चुका है। जब ये कंफर्मेशन कब आएगा, ये जो लाल लकीर है ट्रेंड लाइन की, जो स्लोपिंग डाउनवर्ड स्लोपिंग लकीर है, इसके हम ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड करते नजर आएंगे तो मेरा कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाएगा और फिर हम एक नए हाई की ओर चलते नजर आएंगे। अभी भी कोई बुलिश बेरिश मोमेंटम नहीं है, ये इंटरमीडिएट करेक्शन था जो कि 17,600 से 16,400 तक, 500-600 तक हम नीचे आए गए और ये करेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी। ऐसे कई नए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इस पूरी रैली में कभी मंदी देखी ही नहीं थी, तो ये मंदी कभी कभी आती है और रेगुलर बेसिस पे टाइम फ्रेम पे आती है और उसमें हमें सर्वाइव कैसे करना है, हेज कैसे करना है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हम थोड़ा सा ड्रिफ्ट होते नजर आएंगे और जितना ड्रिफ्ट होंगे उतनी अच्छी बात है। 1 फरवरी को बजट है, बजट के बाद ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मेरा मानना है बजट के पहले जो हाल ही में हुए बॉटम्स तोड़ने नहीं चाहिए, अगर टूटते नहीं है तो मेरा मानना है कि हम अच्छे खासे ऑन द हायर साइड ट्रेड करते नजर आएंगे। देखिए दोस्तों, जब ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आएगा तो मार्केट आउटलुक डेली में इस वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से पैटर्न्स का ब्रेकआउट अगर आता है तो हम प्राइस टारगेट्स, टाइम टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए ये मैं मानता हूँ कि 16,800 एक बेस है, 17,500 600 एक टॉप है। इस रेंज में ट्रेड करके जितने टाइम करेंगे उतनी अच्छी बात है। ओके, तो ये पर्सपेक्टिव है और जैसे जैसे ब्रेकआउट आएंगे मैं इस पे बिल्कुल डिस्कस करता नजर आऊंगा। अभी हम देखते हैं इंडाइसेस, ओके, अलग अलग इंडाइसेस। अभी हम पहले देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, निफ्टी मिड कैप। अगर निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स देखते हैं ऑन द डेली चार्ट, बिल्कुल हम एक रेजिस्टेंस के ऊपर है, इसके ऊपर की क्लोजिंग एक नया दिशा दिखाएगी, तो मेरा मानना है कि आपका स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहना चाहिए। ये कि इधर आपको एक मार्केट आउट परफॉर्मेंस बिल्कुल देखने को मिलेगा। वैसे ही निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो स्मॉल कैप भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा है और इसके ऊपर की लेवल वापस एक बार ओल्ड हाइज जो कि 11,800 है उधर तक ले जाने की ताकत, दमखम बिल्कुल रखता है। बाकी के सेक्टर्स जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, पहला है रहेगा निफ्टी आईटी। मैंने 2 हफ्ते पहले क्लियर कट कहा था कि इसके ऊपर हमें सिर्फ आईटी साथ देगा और देखिए किस किस तरीके से आईटी ने पूरी मंदी में आईटी ने कैसे आउट परफॉर्मेंस दिलाया है, बहुत ही बढ़िया मूव। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है, पर अभी इधर से वापस एक्सपेक्ट करना आईटी से कि आते हफ्तों में आउट परफॉर्मेंस दिलाना, तो वो थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मुझे लगता है कि वो साइडवेज चला जाएगा आईटी सेक्टर। अभी आईटी सेक्टर में जो दमखम 2 हफ्ते पहले था वो अभी नहीं रहेगा, अभी वो ड्रिफ्ट होगा, साइडवेज जाएगा। अभी निफ्टी आईटी के बाद अगर हम एफएमसीजी के बारे में बात करें तो एफएमसीजी का क्षेत्र में कोई भी ऐसा चार्ट पैटर्न नहीं है जहां पे हमें एकदम से बड़ी अप मूव या बड़ी डाउन मूव देखने को मिलेगी। मुझे लगता है कि थोड़े से पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड हो सकता है। उसके बाद जो देखना है निफ्टी फार्मा, निफ्टी फार्मा ने भी आईटी के साथ बहुत अच्छे अप मूव दिलाई, हमने 13,000 से लेके 14,200 तक एक छलांग लगाई है। मुझे लगता है अभी इधर भी एक साइडवेज परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, थोड़ा सा कंसोलिडेशन होना चाहिए।
इस बड़े अपमूव के बाद, ताकि एक बार वापस एक स्ट्रेंथ इंडेक्स में देखने को मिलेगी जो कि 14,800 तक फार्मा इंडेक्स ले जा सकती है। उसके बाद ऑटो निफ्टी, ऑटो के बारे में बात करनी चाहिए। ऑटो के सेल्स नंबर्स काफी अच्छे आ चुके हैं और लॉन्ग टर्म चार्ट्स अभी भी कुछ खराब नहीं हुए। जो हमने लकीर, ये सफेद लकीर, हमने कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इधर देखा था, उसके बाद एक अपमूव, वहीं पे दो बार टेस्ट हो चुका है, इधर एक अच्छा बेस बिल्डिंग हो चुका है और हम 10,500 के जब तक हम ऊपर है तब तक मुझे लगता है कि एक अपमूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑटो इंडेक्स के साथ। तो एक ऑटो इंडेक्स पे हमें ध्यान देना चाहिए। सबसे बढ़िया जो मुझे लगता है कि आज से हमें साथ देगा निफ्टी को और ऊपर जाने का, वो है मेटल्स इंडेक्स। मेटल्स इंडेक्स ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन किया है, गिरावट में इतने पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गिरावट में मेटल्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, बहुत सारे शॉर्ट कॉल्स आ चुके हैं, अंडर परफॉर्मेंस के बारे में बात हो चुकी है, पर जो लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है वो काफी स्ट्रांग है। हम अच्छे बेस बिल्डिंग कर चुके हैं और मुझे लगता है कि मेटल इंडेक्स रहेगा जो कि अब की बार निफ्टी को साथ देगा या सपोर्ट करेगा और ऊपर जाने में। तो मेटल स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए, उधर एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, पोजिशनल स्विंग अपॉर्चुनिटीज, डिलीवरी बेस्ड अपॉर्चुनिटीज आपको बिल्कुल देखने को मिल जानी चाहिए। कंजम्पशन, निफ्टी कंजम्पशन इंडेक्स अगर देखते हैं तो मुझे कोई खास ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है, पर नीचे में अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है और इधर से मुझे लगता है कि थोड़ा सा अपसाइड कंजम्पशन में भी देखने को मिल जाएगा। बैंक निफ्टी के बारे में बात हुई है, अभी आते हैं हम एमसीएक्स कमोडिटीज में। तो अगर हम कमोडिटीज के बारे में बात करें तो पहला आता है क्रूड। कोई भी खास चार्ट पैटर्न नहीं है, साइडवेज रहने की उम्मीद है, पर अच्छा सपोर्ट जो कि इधर ब्रेकआउट मिला है 55-50 के आसपास, वो अच्छा सपोर्ट रहेगा। पर ऐसा कोई आउट परफॉर्मिंग चार्ट पैटर्न नहीं है जहां पे हमें बहुत बड़ी अपसाइड या बहुत बड़ी डाउनसाइड देखने को मिलेगी, मुझे लगता है ये भी ऐसे ही ड्रिफ्ट होगा। गोल्ड सिल्वर भी ऐसे ही है, एकदम ड्रिफ्ट होते नजर आ रहे हैं, कोई खास ट्रेंड बिल्कुल उभरते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। ये रहा गोल्ड और ये रहा सिल्वर, बिल्कुल साइडवेज है। तो गोल्ड में कुछ पोजीशंस नहीं है, सिल्वर में कुछ नहीं है, क्रूड में कुछ नहीं करने की सलाह होगी। अभी जो देखना है वो है वर्ल्ड मार्केट्स। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझ में आना चाहिए कि डाउ जोन्स जो है वो ऑल टाइम हाईस पे ट्रेड कर रहा है। इतनी बड़ी अपमूव हमने देखी, मैंने लगातार आपको कहा कि जब तक ये लाल लकीर के हम ऊपर है तब तक कोई मंदी की बात नहीं करेगा, जो जो करेक्शंस आएंगे वो सिर्फ करेक्शंस का नाम होगा और हम वापस एक बार हाइज के ऊपर बैठे हैं। मुझे लगता है कि वापस एक बार ये नए साल में पहले हफ्ते में एक बार फिर से बाइंग उभरती नजर आ जानी चाहिए, और अगर वर्ल्ड मार्केट साथ देते हैं तो मेरा मानना है कि इंडियन मार्केट्स भी उसके क्यूज लेते हुए और आगे चलने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। रुपी डॉलर का बात करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से हमें स्ट्रेंथ देखने को मिली रुपी में, और जो मूव हम 76-76.50 के लेवल से 74.20 के लेवल्स के आसपास एक करेक्टिव रैली देखने को मिली, स्ट्रेंथ देखने को मिली, वो बहुत ही स्ट्रांग सिग्नल है हमारी इकोनॉमी के बारे में। तो मेरा मानना है कि जो अब ये करेक्टिव रैली है, ये बेस्ट केस सिनेरियो में ये राइजिंग ट्रेंड लाइन है उधर तक आ सकती है। उसकी आज की वैल्यू लगभग 73-60-70 के आसपास है, तो उधर तक हम और करेक्ट होते नजर आएंगे। ऑन द हायर साइड 75-75.20 बेस्ट केस सिनेरियो वीकनेस देखने को मिल सकती है। अभी आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, पीसीआर। देखिए दोस्तों, पीसीआर के चार्ट पे जा रहे हैं और हम वापस एक बार 1.4 के आसपास, 1.4 1.5 के आसपास आ चुके हैं, टू बी वेरी एक्सप्रिसाइज 1.418 वैल्यू है शुक्र के क्लोजिंग का। हाल ही के डाउन ट्रेंड की बारे में बात करें तो ये लेवल्स रहेंगे प्रॉफिट बुकिंग के। प्रॉफिट
पर जिस तरीके के मार्केट पैंड है अभी अभी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए, क्योंकि हमने पहली बार थोड़ा सा पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करते हुए हमने देखा है। शॉर्ट टर्म चार्ट्स में एक अच्छे ब्रेकआउट्स निफ्टी बैंक निफ्टी में देखने को मिले। तो अभी जिनके पास शॉर्ट पोजीशंस होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि मार्केट आउटलुक डेली में मैंने क्लियर कट कहा था कि कहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस लेनी है, तो मैं समझ रहा हूँ कि सबके लॉन्ग पोजीशंस है। अभी लॉन्ग पोजीशंस में प्रॉफिट बुकिंग कब करनी है, 1.6 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग करना चालू कर देना चाहिए। अभी ये इधर पीसीआर डेटा ऑब्जर्व करना है और ये पहला संकेत देगा कि 1.6 1.7 तक अगर जाता है और हमें बेरिशनेस नहीं देखने को मिलती है, तो ये फर्स्ट साइन रहे कि अभी जो ट्रेंड है करेक्टिव वो खत्म हो चुका है और अभी 1.6 से लेके नीचे में 1.1 के आसपास हमें बाइंग करनी है और वापस एक बार ऊपर के स्तर देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमें ट्रेंड का एनालिसिस पीसीआर के ऊपर कर सकते हैं। मैंने आपको टेलीग्राम और मार्केट आउटलुक डेली जहाँ जो कुछ वेबसाइट पे हमारे जो एक्सेस मिलता है उसके बारे में बात की, बिल्कुल जुड़े रहिए। काफ़ी बड़े अपॉर्चुनिटीज आते दिनों में देखने को मिलेंगे। पिछले लगभग 2 महीने से कोई बड़े ट्रेड्स नहीं मिल रहे थे क्योंकि हम ड्रिफ्ट हो रहे थे। मैं ये मानता हूँ कि कम ट्रेड्स देंगे पर देंगे तो अच्छे ट्रेड्स देंगे। तो मेरा मानना है कि अभी के लिए जो आपको इधर अप मूव्स देखने को मिल रहे हैं, ये सिलेक्टिव ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं, वो मार्केट आउटलुक डेली और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको बिल्कुल देखने को मिल जाने चाहिए। दोस्तों इस हफ्ते के लिए इतना ही, अगले हफ्ते वापस मिलेंगे। 2022 बड़ी सेलिब्रेटिव ईयर होने की उम्मीद करते हैं और आपको भर भर के पैसा मिले, एक आपका पोर्टफोलियो 100 गुना बढ़े, यही मेरी ख्वाहिश रहेगी। इसी नोट पे हम इस वीक का अंत करते हैं, वीकली का अंत करते हैं। अगले हफ्ते वापस एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।